चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाख निकांत ओम ज्ञान विरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नमः गुरुदेवाय धीमहि सममर्ते श्री श्रीमद्भक्ति स्वरूपं सिद्धान्ते प्रभु श्री महात्मने नमः विश्वपादाय राधिकायात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायणे नमः विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशवमूर्तिनामे अतिमर्त्यचरित्राय शाश्वतानञ्च वारिणे जीवदुःख सदात्राय श्रीनाम प्रेमदायिने नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवासवानविले विदयिता कृपात्रये कृष्ण सम्मुख्यान दायिने प्रभविनम महापुरुषजगत्प्रेमाढ्यसजुपानुगभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनधारिणी श्रीरूपानुगभक्तिसिद्धान्तदन्तहारिणि नमो गौरीश्वराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बुद्धिपादाम्बुजाये नमः नमः भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगभराय गौरवाभिभावमुष्टं निर्दिष्टा सुजनप्रिय वैष्णवसार्वभौमजगन्नाथाय नमः पाञ्चालकृभ्य कृपासिन्धुभ्यैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीतद्वये प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदेवि सत्यवत्यै नमो नमः श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द प्रियाद्वैतगदाधरवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम Thank you.
Yeah.
Yeah.
patitanam pavanebho vaisnavebho namo namah namo mahavadannaya krishna prema pradayate krishnaya krishna chaitanya namne gauratvise namah he krishna karuna sindho dinabandhu jagatpate gopesaha vigatanta Sri Radha Kante Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneswari Vrishabhana Sute Devi Pranamami Hari Priya Vrindaye Tulasidabhai Priyaye Kesavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatai Namo Namah Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Vala Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari 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 Rama Hari Rama 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 Vala Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Hari Rama Hari Rama Ram Ram Hari Hari Sarapatha Mri Gurupad Padma Nitalila Pravishna Vishnu Pad Ashtodara Satasri Sri Sri Madhvakti Sri Siddhanti Goswami Maharaj Ki Charna Kamalangan Ananda Kuti Sashtanga Dhanavad Pranam Karta Tad Pashad Mri Sikhya Gurupad Padma Nitalila Pravishna Vishnu Pad Ashtodara Satasri Sri Madhvakti Vidalga Sri Narayana Goswami Maharaj ki charna sarojami Shraddha Puspanjali arpan karta hu Upasthit Vaishnava Vaishnavi Mata Pita Bhai Bahin Sabhi ko main yathachit pranam karta hu Aaj ek vishesh tithi hai Abhi thodi si jitna yaad thodi bahut hum sun lete hain Par shaam ko hum acche tarah se sunenge theek hai Isliye aaj hamare sampradaya ka jo acharya hai Shri Madhvacarya ki aaj dirbhav diti hai. Isliye Padma Purana mein bataya, haan, dekho, ye cheez achhe tarah se samajhni chahiye. Bole sampradaya vihna je mantra ste vipala mata, atah kalo bhavishanti chatvar sampradaya. Shri Brahma, Rudra, Sanaka, Kiti Bhavana, chataraste kalo bhavyat utkale purushottama. ये पद्म पुराण का श्लोक है हां देखो ये चीज अच्छी तरह से भगवान खुद कहते हैं ये कलयुग है कौन सा युग है कलयुग कलि मतलब लड़ाई झगड़ा अशांति हैं इसलिए विशेष करके कलयुग में कलयुग होने का नाते शुद्ध भक्ति मिलना बड़ा कठिन है शुद्ध भक्ति मिलना बड़ा कठिन अक्सर करके कलयुग में जितने अशुद्ध भक्ति आपको मिले श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये कलयुग तो बड़ा परेशानी हो गया बोले क्यों बोले युग मेरा अरे मेरे युग में रह रहे हैं मेरे मेरा खा रहे हैं मेरे हैं मेरे युग में रह रहे हैं मेरा ही खा रहे हैं सब कुछ मेरा ही करते हैं लेकिन कि किस लिए परेशानी है बोले जो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं उनसे परेशानी है जैसे चार वैष्णव संप्रदाय चार वैष्णव संप्रदाय शास्त्र कहता है अगर हमें भगवत प्राप्ति करना है कलयुग में क्या करनी चाहिए चार वैष्णव संप्रदाय से किसी एक संप्रदाय को हमें ग्रहण करनी चाहिए तभी शास्त्र कहता है तो भगवत प्राप्ति कर सकते हो अगर ये चार वैष्णव संप्रदाय को छोड़ करके अगर और कहीं दीक्षा मंत्र कोई ग्रहण करेगा शास्त्र कहता है निष्फला मता तो भगवत प्राप्त नहीं है वो भगवान तक नहीं पहुंच सकता ये ठाकुर स्वयं कहते हैं अगर ये कलयुग में कोई सागर से पार करना चाहते हैं कलयुग में मैं चार व्यक्तियों को कलयुग में भेजूंगा और ये चार व्यक्तियों के पास में चार नाव रहेगा अगर इनके पास में जाओगे ना अगर वो नाव में बैठ जाओगे सीधा ठाकुर के पास में चले जाओगे अगर इसको छोड़ करके अगर और कहीं जुड़ोगे और कहीं जुड़ करके भक्ति करना चाहोगे वो मंत्र निष्फल हो जाएगा वो मंत्र
निष्फल हो जाएगा। बोले क्यों? कहते दूसरे जो संप्रदाय हो चुके मेरे से जुड़े हुए नहीं है। जैसे हम लोग जो मंत्र करते हैं गोपाल मंत्र, ये गोपाल मंत्र कहाँ से आया, किसने दिया? सृष्टि की पहले जिस समय ब्रह्मा जी भगवान की नाभि कमल से सृष्टि हुए, उन्होंने देखा चारों तरफ पानी ही पानी, कुछ है ही नहीं, पहले एक सर था। जब चारों तरफ में देखने की इच्छा हुई तो चार सर हो गया, लेकिन उन्होंने देखा पानी पानी। फिर तमिलनाडु में फिर उन्हें हजार साल तक उन्होंने ढूंढते रहे, कोई था ही नहीं पाए। फिर ऊपर आए, उन्होंने व्यंजन वर्ण का दो अक्षर सुना, सोलमा और एकोसमा। भगवान बोले ता और प, तू तपस्या कर। जब ब्रह्मा जी तपस्या की, फिर भगवान ने बोले ज्ञानम में परम गुह्यम जत विज्ञान समन्वितम सह रहस्य च तदन च ज्ञानम गदितम भया। फिर भगवान ने क्या किया, बोले उनको ज्ञानों में परम कुशल ज्ञान प्रदान किया, भक्ति युक्त ज्ञान प्रदान किया उनको, ब्रज भक्ति युक्त ज्ञान प्रदान किया। कहते सर्वप्रथम कृष्ण अपना वंशी ध्वनि से, अपना वंशी ध्वनि को थोड़ा ब्रह्मा जी को कानों में ये गोपाल मंत्र प्रदान किया। अरे इसी गोपाल मंत्र को पा करके ब्रह्मा जी पूरा सृष्टि को रचना की, पूरा सृष्टि रचना की गोपाल मंत्र से। फिर उन्होंने किसको दिया? ब्रह्मा जी। फिर नारद जी को दिया। फिर नारद किसको दिया? फिर उन्हें श्री व्यास देव को दिया। फिर व्यास देव किसको दिया? फिर श्री मध्वाचार्य जी को दिया। फिर मध्वाचार्य जी ने फिर लक्ष्मी को दी। ऐसे करते करते वो मंत्र कहाँ तक आया? वो श्री माधवेंद्रपुरी तक आया, जो महाप्रभु की गुरु जी की गुरु जी। फिर माधवेंद्रपुरी किसको दिया? फिर उन्होंने प्रदान किया श्री ईश्वरपुरी को। फिर ईश्वरपुरी किसको दिया? चैतन्य महाप्रभु को दिया। चैतन्य महाप्रभु किसको दिया? प्रभु गोस्वामी जगन्नाथ दास महाराज। फिर गौर भक्ति विनोद ठाकुर गौर किशोर दास महाराज। फिर प्रभुपाद। फिर भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। फिर भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज। ऐसे करते 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 वो मंत्र किस कौन सा युग से आ रहे? सत्य युग से। वो मंत्र कहां से आए? सत्य युग से। भगवान जो मंत्र प्रदान किए, अगर इसलिए कहते हैं अगर ये मंत्र को कोई प्राप्त करेगा, अगर ये मंत्र को सही सही कोई जप करेगा, एक दिन ये मंत्र हमें कहां तक पहुंचा देगा? भगवान तक ये मंत्र पहुंचाएगा, क्योंकि ये गुरु परंपरा से गुरु द्वारा आया। जैसे समझो कोई चीज बट रही है, कोई चीज मिल रहा है, अगर आप बे लाइन में अगर खड़े हो गए, बगर लाइन के बगर अगर बे लाइन में खड़े, जिंदगी भर खड़े ही रह जाओ, खड़े रह जाओ, तुमको नंबर नहीं आएगा। क्यों? तुम लाइन के बगर तुम खड़े हो गए, लेकिन अगर सही लाइन में खड़े हुए हो ना, भले ही देर हो सकती है, भले ही भगवान की कृपा देर हो सकती है, लेकिन आपको जरूर मिलेगा, एक दिन आपका नंबर आएगा ही। इसलिए यहाँ पर बताए हैं, उदाहरण देते हैं, जैसे एक कोयला डिब्बा है, अगर मेन इंजन को साथ में अगर जुड़ा हुआ होगा ना, देखना वो ठीक स्थान पर पहुंच जाएगा। लेकिन एक सोने के डिब्बा अगर मेन इंजन को साथ में जुड़ा नहीं हुआ, वो जहाँ के तहाँ खड़ी रह जाएगी, वो भी खड़ी रह जाएगी, वो पहुंच ही नहीं सकती। इसलिए नियम है, शास्त्र ने बताया हमें क्या करनी चाहिए, शुद्ध लाइन में आनी चाहिए। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं जब शास्त्र विधि उत्सर्ज्य वर्तते कामचारत न सह सिद्धि माप्नोति न सुखम न परम। भगवान कहते हैं मैंने जो शास्त्र में विधि विधान दिया है, अगर ये शास्त्र का विधि विधान के अनुरूप कोई चलेगा तो जरूर उसको सिद्धि भगवत मेरे पास में आ सकता है। लेकिन शास्त्र की विधि विधान को छोड़ करके अपना मनमानी ढंग से जो चलते हैं, न सुखम न परम गति, जीवन में कोई सुख नहीं मिलेगा, कोई परागति भी नहीं मिलेगी। इसलिए नियम है ये चार संप्रदाय। इसलिए बोले संप्रदाय बिना जे मंत्र स्ते विफला मता, अगर इस मंत्र को जप करेगा तो कोई फल नहीं। इसलिए कलयुग है,
लेकिन जो इधर उधर जो उल्टा पुल्टा सब संप्रदाय देखने को मिलता है, केवल वैष्णव चार संप्रदाय है। कौन सा बोले श्री, कौन सा संप्रदाय? श्री संप्रदाय, जिसमें आचार्य कौन हुए? श्री रामानुज। कल इनकी तिथि है, कल इनकी कथा सुनेंगे। हैं राम अनुज लक्ष्मण स्वयं हैं कहते। और दूसरा जो संप्रदाय है श्री ब्रह्मा, ब्रह्म संप्रदाय में आचार्य कौन हुए? श्री मध्वाचार्य। आज जिनकी तिरभाव है कहते मध्वाचार्य कौन है? बोले साधारण नहीं, कहते भीम और हनुमान, हनुमान और भीम ये दोनों मिलकर के इसमें आए। तीसरा संप्रदाय श्री रुद्र, स्वयं शंकर जी से आए। जिसमें आचार्य कौन हुए? श्री विष्णु स्वामी है। और तीसरा बोले चतुसर, ब्रह्मा के चार मानस पुत्र चतुसन हुए। उसमें आचार्य कौन हुए संप्रदाय की? बोले श्री निम्बादित्य, निम्बार्क आचार्य हुए। इसलिए ये चार ये वैष्णव संप्रदाय, भगवान कहते हैं ये चार जो वैष्णव संप्रदाय ये मेरे से आए, ये मेरे से ये संप्रदाय आए। ये चारों में कोई एक संप्रदाय में अगर कोई अंतर्भुक्त तो होकर के हरिनाम दीक्षा मंत्र ग्रहण करेगा वो जरूर मेरे पास में आएगा, वो आएगा। लेकिन जो इधर उधर तरह तरह का संप्रदाय, तरह तरह का धर्म, जो तरह तरह का प्रचार होता है, ये कली नहीं ना, ये कली ये सब प्रचार कर रहा है। हम देखना बहुत सारे बाबा पकड़े जा रहे हैं, ये बाबा वो बाबा वो बाबा, ये कोई भी ये वैष्णव संप्रदाय कोई नहीं, ये कोई चार जो शुद्ध वैष्णव संप्रदाय इससे बाहर ये सब के सब बाबा है। ये जो मनमान ढंग से जो प्रचार करने वाले मनमान ढंग से जो जेल में जा रहे हैं उनको ये हो रहा है, ये हो रहा है ना, ये कोई भी एक कोई चार संप्रदाय से ये बाहर है। क्योंकि ये जो चार संप्रदाय में इसमें नियम है, इसमें नियम श्रृंखला इसके अंदर में, क्योंकि ये भगवान से आए है। भगवान से आने का नाते इसमें प्रॉपर भक्ति की आप देखा होंगे। हाँ भक्ति भक्ति सब कर रहे हैं भक्ति भक्ति, लेकिन देखो आप तो यहाँ आते हो देखना साधारण लोग, हाँ ये इससे जुड़े हुए हैं, हम इससे जुड़े हुए, उसमें कोई उसमें चिन्ह नहीं, कोई तिलक भी नहीं होगा, गल में घंटी भी नहीं होगा, सदाचार भी नहीं होगा, भगवान का नाम भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, उसमें कोई चिन्ह ही नहीं। जैसे कि स्त्री सधवा है भैया पता नहीं चलेगा, मांग भरेगी, सिंदूर लगाएगी, मंगल सूत्र पहनती है, बेसर पहनती है, और उनके कुछ लक्षण है जिसको देखने से पता चलना ये सधवा है, ये सधवा है। उसी तरह जो शुद्ध भक्ति में जुड़ेंगे ना, जो चार वैष्णव संप्रदाय ऐसे नहीं, आप चार संप्रदाय में जाओगे किसी एक में जाओगे आपको शुद्ध रूप में भक्ति की बात बताई जाएगी। शुद्ध रूप में ये सब नियम श्रृंखला भक्ति करने के लिए कंठी माला तिलक, ठाकुर को कैसे पूजा करोगे, ठाकुर को कैसे भक्ति करोगे, कौन सा ठाकुर जी की भक्ति करोगे, एकदम प्रॉपर रूप में ना ये चीज आपको एकदम प्रॉपर रूप में सिखाया जाएगा। और जो इधर उधर का जो भक्ति जगत में प्रचार हो रही उसमें कोई नियम श्रृंखला कुछ नहीं, जो इच्छा खाओ, जो इच्छा पियो, सब कुछ करो, बस हमारे साथ में जुड़ जाओ। क्यों कारण क्या बोले कारण है भैया अगर इतना चेले बनाएंगे साल में एक बार गुरु पूर्णिमा तो होगी, अगर गुरु पूर्णिमा होगा तो कितना शिष्य बोले 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ हमारे शिष्य है। लेकिन कोई भक्ति भक्ति से कोई मतलब नहीं, हरिनाम से नहीं, तिलक नहीं, ठाकुर की सेवा की जन कुछ नहीं। लेकिन ये चार वैष्णव संप्रदाय में देखोगे पूरा प्रॉपर नियम है, चार नियम को पालन करो है। भागवत में जो कली का स्थान दिया है, चार कली के जो स्थान है, धूतम जुआ मत खेलो, किसी तरह का नस्ली वस्तु मत ग्रहण करो, अवैध रूप में पुरुष स्त्री स्त्री पुरुष से मत मिला करो, और जीव हिंसा मत करो, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन मत खाओ। लेकिन दूसरे दूसरे संप्रदाय आप देखोगे जो कुछ खाओ पियो कोई बात नहीं, चल हमसे यहाँ से बैठ जाओ, बैठ करके भैया 5 मंत्र बोल देता हूँ, जिसका जो इच्छा हो मंत्र लेना, काली मंत्र बोल देता हूँ, शंकर जी का मंत्र बोल देता हूँ, गणेश जी का मंत्र बोल देता हूँ, है हनुमान जी का मंत्र बोल देता हूँ, राम जी का मंत्र, जिसका जो इच्छा ले लेना ये 5 जैसे जैसे कि दुकानदार होता है ना, है जैसे दुकान
ऐसे ही मंत्र को ऐसे ही वो लोग दे देते हैं। आज जो जिसका मंत्र ले गया हो गया हमारे चेला बन गए, भैया ऐसे कभी नहीं होता है। जैसे हमारे संप्रदाय में किसकी हम आराधना करते हैं, श्री राधा कृष्ण को। अगर हमें कोई आकर के बोले भैया हमें राम का मंत्र दे दो, हम नहीं दे सकते। क्यों? हमारे गुरु परंपरा से हमें राम मंत्र नहीं मिला, गुरु परंपरा से हमें नारायण मंत्र नहीं मिला, हम ये मंत्र दे ही नहीं सकते। हमें जो गुरु परंपरा से जो मंत्र मिला है, वही जिस मंत्र को हम जप करते हैं, हम केवल उसी मंत्र ही हम आपको दे सकते हैं, उसका बगैर मंत्र दे ही नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर बताए कि जो चार संप्रदाय शुद्ध भक्ति की विचार है, ठाकुर को सेवा पूजा शुद्ध भक्ति, इसलिए बताए। और हमारा जो संप्रदाय का नाम क्या है? ब्रह्म माधव गोड़े संप्रदाय। संप्रदाय का नाम ब्रह्म माधव गोड़े संप्रदाय। कहते ब्रह्म माधव गोड़े संप्रदाय मतलब क्या है? है इसका मतलब क्या? जब से चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु कौन? स्वयं राधा कृष्ण, स्वयं राधा कृष्ण। इन्होंने देखा हमें ये चार वैष्णव संप्रदाय, किसने बनाया? हमने बनाया, भगवान तो बनाया, तो दुनिया चार संप्रदाय भगवान बनाए। अगर भगवान अगर किसकी संप्रदाय को स्वीकार नहीं करेंगे, फिर लोग कैसे स्वीकार करेंगे? भगवान स्वयं आदर्श रूप में भगवान सिखाएंगे तो दुनिया को ना, भगवान को सिखाएंगे फिर दुनिया वो चीज को ग्रहण करेगा। अगर भगवान ही चीज को नहीं मानेंगे, जिस चीज को उन्होंने बनाया, अगर भगवान ही नहीं माने, दुनिया मानेगा कैसे? इसलिए भगवान ने देखा मैंने ये चार वैष्णव संप्रदाय बनाया, इसलिए मुझे कोई एक संप्रदाय में अंतर्भुक्त होनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु ने सब संप्रदाय में गए, रामानुज मध्व विष्णु स्वामी निम्बार्क सारे संप्रदाय में गए। उन्होंने देखा कौन सा संप्रदाय मुझे अपनानी चाहिए। महाप्रभु ने ये मध्वाचार्य संप्रदाय को, ब्रह्ममात्व गौड़ीय संप्रदाय को उन्होंने अपनाया। बोले क्यों? और भी तो संप्रदाय था महाप्रभु, उसको क्यों नहीं अपनाया? बोले कारण है महाप्रभु जो कलयुग में आए, बोले आए क्यों? बोले वो दुर्लभ ब्रज प्रेम को देने के लिए आए, जिसको रूप गोस्वामी कहते हैं अनर्पित चरण चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसात स्वभक्ति श्रियम। महाप्रभु ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आकर के हमें वो ब्रज प्रेम प्रदान करते हैं, राधा रानी के निकुंज सेवा हमें प्रदान करते हैं। उन्होंने देखा चार संप्रदाय में कहीं ये चिन्ह है क्या नहीं, उनने चार संप्रदाय में घूमे, घूम करके जो मध्वाचार्य संप्रदाय में आए उन्होंने ये चीज को देखा। उन्होंने क्या देखा? उनकी जो आराध्य देव है, कहते आराध्य देव है उनका एक गोपाल है, जैसे मैया जशोदा जब दधि मंथन करती है ना, दधि मंथन उसको जो दंड, उसका हाथ में दंड और उसमें रज्जू है, हैं? कभी उन्होंने देखा इसी संप्रदाय में, इसलिए मिला कहाँ से ये विग्रह बड़े सुंदर नृत्य गोपाल है। अगर आप लोग उड़ूप जाओगे दर्शन करोगे वहां पर अभी भी वो विग्रह है, हाथ में मंथन दंड को पकड़े हुए, जैसे कृष्ण कहते हैं मैया मेरे को भूख लग रही है, मेरे को दूध पिला दे, मेरे को भूख लग रही है। जैसे मैया पिला नहीं रही थी, कृष्ण क्या की जाकर दंड को पकड़ ली, बोले जब तक तो मैया की दधि मंथन बंद नहीं कर दू ना, तब तक तो मैया मेरे को दूध नहीं पिलाएगी। इसलिए अभी भी वो गोपाल को दंड को पकड़ कर रखे है, दंड को पकड़ कर रखे। बोले ये मिला कहाँ से? मध्वाचार्य को। बोले एक समय मध्वाचार्य जा रहे थे और एक बहुत बड़ा बिजनेस मैन वो नाव में बहुत सारे सामान को रख करके एक देश से दूसरे देश को बिजनेस करने के लिए जा रहे थे, लेकिन जाते जाते क्या हुआ, नदी की रेती की चराव में वो नाव लग गई, नाव लग गई तो वो नाव और हटे ही नहीं, बड़ा नाव था, हाँ बड़ा नाव था वो हटे ही नहीं, वो तो बड़ी चिंता में पड़ गए, अभी नाव हटेगा कैसे, नाव हट नहीं रहे। इतने में श्री मध्वाचार्य वहीं पर आए, जब आए उन्होंने देखा भैया कोई साधु आए, हम कहते ना जो ना करे लकड़ी सो करे फकीर, संत लोग हाँ वो संतों के हृदय में भगवान के निवास है, वो बड़े अद्भुत अद्भुत काम कर लेते हैं, हाँ इनके आशीर्वाद सब काम बन जाते हैं। तब उन्होंने देखा कि साधु
साधु को देख करके बोले बाबा मेरे की जो नाव नदी की चराग में लग गया, ये नदी नाव हट नहीं रहा है, थोड़ा कृपा कर दो। तब मध्वाचार्य जो वहीं पर खड़े होकर के उन्होंने ऐसे बुलाया, जब उन्होंने ऐसे बुलाया ना वो नाव अपने आप चलना शुरू हो गया, नाव अपने आप चलना शुरू हो गया। जब शुरू हो गया तो उसको देख करके जो बिजनेस मैन था बड़े खुश हो गए, बोले बाबा मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, आपकी नाव में जो इच्छा हो आप जो इच्छा हो इससे आप ले सकते हो, लेकिन उसमें तिलक था, उसमें तिलक भी उसमें लेकर ले जा रहा था, वो तिलक बहुत बड़ा तिलक था है। तो उन्होंने बोले और मेरे को क्या दोगे, संत लोग ना ब्रजराज है, ब्रजवासियों का चरण तुलि, बोले हमें ये तिलक दे। तो पता नहीं कितना मान था वो तिलक है, कितना मान था, उन्होंने वो तिलक को अपना कंधे पर ले जा रहे थे, और लेते लेते ना इतने में अपनी आप तिलक टूट गई, टूट गई तो उसका अंदर से ये गोपाल जी नृत्य गोपाल प्रकट हुए हैं, ठाकुर जी उसका अंदर से प्रकट हुए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, उसकी अंदर से प्रकट हुए ये ठाकुर जी, इसलिए अभी भी वो बिक रहे हैं, इसलिए महाप्रभु सारे संप्रदाय में घूम कर जब इस चीज आए देखा इनकी आराध्य देव कौन है, जैसे रामानुज संप्रदाय का आराध्य देव कौन है, लक्ष्मी नारायण है, कहते श्री कहते रुद्र संप्रदाय के कहते वहां पर आराध्य कौन है, कभी कभी वो लोग कृष्ण रुक्मिणी को उपासना करते हैं, कभी कभी वो नरसिंह देव को उपासना करते हैं, और हमारे निबार्द संप्रदाय में वहां पर कभी कभी राधा कृष्ण को तो उपासना करते हैं, वो शोकिया भाव से करते हैं, शोकिया मतलब पति पत्नी के भाव से उनका नित्य मिलन है, उनके नित्य मिलन है, इसलिए। लेकिन श्री महाप्रभु ने देखा श्री मध्व संप्रदाय में जो चिन्ह है ब्रज भाव, उसमें ब्रज भाव है, इसलिए महाप्रभु ने ये मध्वाचार्य संप्रदाय को ग्रहण किया, और ब्रह्म माधव मतलब उसमें ब्रह्मा कौन हुए, इस संप्रदाय का प्रवर्तक इसका जो शुरुआत किया है, उसमें आचार्य कौन हुए, श्री मध्वाचार्य, बोले ये ब्रह्मा हमारी, हम रोज भजन गाते हैं ना, कृष्ण हरित चतुर्मुख हर कृष्ण से वरदहित व्यास मध्व कह व्यास दास पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ गति, ये रोज भजन गाते हैं ना, उसमें सब परंपरा नाम है, भक्ति किसने किसको दिया, तो भक्ति कहाँ पर आई, वो भक्ति कैसे हम लोगों को बचा, उसमें ये सब विचार सब नाम दिया इसमें, इसलिए है, इसलिए महाप्रभु ने उस ब्रज भाव को देख कर उन्होंने वो संप्रदाय को उन्होंने स्वीकार किया, इसलिए ब्रह्मा जी, इसलिए ब्रह्मा जी को आप लोग परसना गए हो, कौन कौन परसना गए, हाथ उठा परसना कौन कौन गए, इसलिए ये परसना ये ब्रह्माचल पर्वत है, इसलिए ब्रह्मा जी ने वो जो पर्वत है पर्वत रूप में उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया है, मेरे को ब्रज में पर्वत रूप में जन्म हो, बोले कहाँ पर जन्म हो, जहाँ था नहीं, जहाँ पर राधा रानी ईश्वरी जी ने जन्म लिया है, इसलिए उसको ऊपर में राधा कृष्ण की बड़ी प्यारी प्यारी उनको जो दान लीला मान लीला निकुंज लीला है, वहां पर गए ना दानगढ़ मानगढ़ विलासगढ़ श्री जी की कुंज, कहाँ पर राधा रानी के निकुंज, उसी ब्रह्माचल पर्वत के ऊपर में, मतलब ब्रह्मा जी के हृदय में ब्रज भाव की भावना, राधा रानी की सेवा प्राप्त करने की भावना है, इसलिए कल सुन रहे थे ब्रह्मा जी क्या प्रार्थना करते हैं, बोले तत् भूरि भाग्य मिह जन्म किम अटप्याम जत गोकुल अपि कथमाद रजोभिषेकम्, इन्होंने ब्रजवासियों को चरण धूलि को उन्होंने प्रार्थना किया, इसलिए ब्रह्मा जी के हृदय में है, ब्रह्मा जी के हृदय में ब्रज भाव की प्राप्ति की इनकी लालसा है, इसलिए एक दिन नारद जी को कदश्री नारद जी ब्रह्मा जी को प्रश्न करते हैं, बोले पिताजी आप गोपियों के चरणों को प्राप्त करने के लिए 60,000 साल तपस्या किया ब्रह्मा, 60,000 साल, प्रश्न करते हैं आप गोपियों की भाव पाने के लिए ये 60,000 साल क्यों तपस्या की, तब ब्रह्मा जी कहते बेटा जी गोपियां आना कोई साधारण स्थिति नहीं है,
गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं, ये सब के सब आनंद चिन्हमय रस प्रतिभागिता भी, राधा जी की एक एक भाव ही एक एक गोपी रूप लिया है, इसलिए कोई लड़की स्त्रियां नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी के हृदय में ये ब्रज भाव की भावना को देख करके श्रीमद महाप्रभु ने इसी संप्रदाय को उन्होंने ग्रहण किया, इसलिए ब्रह्ममाध्य गौड़ीय संप्रदाय। कहते जो मध्वाचार्य जी, ये इनके जो पिता माता के बच्चे जन्म होते थे, लेकिन बच्चे जन्म होकर मर जाते थे, कोई बच्चा रहता नहीं था, तो उन्होंने भगवान विष्णु का आराधना किया है, भगवान को आराधना किया, आराधना की तो भगवान संतुष्ट हो गए। जब संतुष्ट हो गए बोले ब्रह्मा को, बोले देखो हमें ऐसे एक बेटा तो जो संतान जन्म लेता मर जाता है, हमें ऐसे एक संतान जो बेटा अमर संतान हो, जो कभी मरे नहीं, ऐसे एक संतान प्रदान करो। तब उन्होंने श्री मध्वाचार्य जी की जन्म हुए हैं, मध्वाचार्य जी जन्म हुए। कहते हैं क्या जो फिलोसफी है, बोले द्वैत, क्या फिलोसफी उनकी, बोले द्वैत, बोले द्वैत क्यों, अब मध्वाचार्य जी को देखना हाथ में ऐसे किया हुआ, उनका हाथ ऐसे रहेगा, बोले द्वैत मतलब है जैसे रामानुज विष्णु स्वामी अलग अलग, किसका विशिष्टाद्वैत किसका द्वैताद्वैत किसके शुद्धाद्वैत, लेकिन इनका जो फिलोसफी द्वैत, द्वैत मतलब क्या ऐसे, द्वैत मतलब क्या दो, मतलब जीव और जो भगवान है वो दो है, एक कभी नहीं, जीव हर समय भगवान का ही सेवक है, और हमारे जो भगवान हर समय हमारे लिए आराध्य, भगवान ही हमारे इष्ट और हम उनकी सेवक, ईश्वर अंश जीव अविनाश, इसलिए जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव है हर समय ही भगवान की दास ही बन करके रहेगा। महाप्रभु ने कहा वाह की बढ़िया फिलोसफी, किसका था दूसरा फिलोसफी विशिष्टा द्वैत द्वैता द्वैत, बोले हाँ वो जीव होने पर भी भगवान से कभी कभी अभिन्न है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हर समय जीव दो रहेगा, मतलब सेवक और भगवान ये दो नहीं नित्य है, और ये हर समय सेवक रहेगा और भगवान हमारी सेवा रहेगी हर समय में। इसलिए यदि श्री मध्वाचार्य ये जन्म हुए, और मध्वाचार्य जन्म होकर के अभी उन्होंने 11 साल उम्र में, 11 साल उम्र में उन्होंने सन्यास ग्रहण किया, उन्होंने पिता माता को बोला मैं सन्यास ग्रहण करूंगा, पिता माता बोले नहीं एक ही बेटा हुआ, बोले सोले सन्यास ले लेगा, जन्म हुआ एक बेटा बोले सन्यास ले लेगा, नहीं हम सन्यास होने नहीं देंगे, उन्होंने बोला अगर तू सन्यास लोगे ना मैं कुएं में छलांग लगाकर प्राण त्याग कर दूंगा, उनके भैया बोले हैं। तब मध्वाचार्य जी कहते हैं तो कभी भी कुएं में छलांग लगाकर प्राण त्याग कर ही नहीं सकते हो, लेकिन मैं सन्यासी जरूर लूंगा, मैं सन्यासी जरूर लूंगा, लोग तो कभी भी कुएं में छलांग लगाकर प्राण त्याग ही नहीं कर सकते हो। फिर उन्होंने बोले 11 साल उम्र में बोले मैं ये मायावाद को खंडन करूंगा, ये चार संप्रदाय क्यों आए, इसलिए आया कारण आया, देखो पहले शून्यवाद था, पहले क्या था शून्यवाद, मतलब क्या उनका जो फिलोसफी था ना, तुम जीव शून्य से आया और बाद में जाकर शून्य में ही लीन हो जाएगा, भगवान नहीं कोई, भगवान भगवान जीव कोई कुछ नहीं, ये शरीर आत्मा आत्मा कुछ है ही नहीं, तो शून्य से आए लास्ट में शून्य में जाकर के उसमें मिल जाओगे, उनका ये फिलोसफी है। पहले ये शून्यवाद था, बौद्ध बौद्ध धर्म जिसको बौद्ध धर्म कहते ना, कहती ये शून्यवाद है, शून्य से आए लास्ट में शून्य से फिर जाकर के लीन हो जाओ, इनका था ये अध्याय देने से मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण जिस संप्रदाय में आए उस संप्रदाय के बारे में हमें पता चलनी चाहिए, इसलिए पहले था शून्यवाद है बौद्धवाद था, आए जीरो और लास्ट में जीरो में, फिर इसको भगवान ने देखा भैया ये तो अत्यधिक नास्तिक बात है, भगवान भगवान जीव भी कुछ नहीं, शून्य से आए और शून्य में लीन हो जाओ, भगवान सोच रहे थे फिर ये भक्ति धर्म को हम धीरे धीरे कैसे प्रचार करें, भक्ति धर्म कैसे प्रचार करें, क्यों जब तक जीव भगवान की भक्ति सेवा नहीं करेगा उसको शांति आनंद कहां से मिलेगी, तो अत्यधिक नास्तिक बात है। उन्होंने देखा अगर डायरेक्ट अगर किसी व्यक्ति को मैं भेज दूं जाकर के तुम भक्ति के बारे में बताओ भगवान तुम्हारी
प्रभु है और तुम इस सेवक है, दास हो, ये जीव इसको स्वीकार नहीं करेगा। बताओ दुनिया में कोई दास बनना चाहते हैं? जगत में सब मालिक ही बनना चाहते हैं, हैं? भाई आप मालिक दास नहीं बनेंगे? हाँ भगवान मालिक है, हैं? लेकिन हनुमान जी क्या कहते हैं, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं तो प्रभु का सेवक हूँ और भगवान राम हमारी प्रभु है। और सेवक में जो आनंद है ना, प्रभु से भी ज्यादा सेवक में आनंद है, प्रभु से भी ज्यादा सेवक का आनंद है। इसलिए कलयुग में तो महाप्रभु रूप में कृष्ण आए अभी, लेकिन जीव जानता नहीं, अहंकार है, हाँ? हम क्यों भगवान के सेवक बनेंगे, दास क्यों बनेंगे, हम तो मालिक है। इसलिए भगवान ने देखा पहले ऐसे एक व्यक्ति को भेजा जाए जो बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हो और जाकर के सुन्नवाद से फिर किसी तरह से साधारण रूप में किसी स्थिति में लाए। भले किसी को भेजे, भले जैसे तैसे व्यक्ति को भेजने पर काम नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने श्री भोले बाबा को बुलाए, शंकर जी को बुलाए, शंकर जी है सत्यम शिवम सुंदरम। बोले ये समर्थ है, बोले सीख तुमको काम करना पड़ेगा, बोले थोड़ा बताओ क्या आदेश है। बोले जा करके तुम ब्रह्मवाद को स्थापन करो, वो कहते ना शून्य, सब शून्य कुछ नहीं, तुम जाकर के बोलो जीवों को, बोले अहम ब्रह्मास्मि, तू ही तो भगवान तत्त्वमसि, तुम तो वही हो, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, तुम कहाँ, तुम ही तो भगवान हो, सभी ब्रह्म ब्रह्म, तू ही तो भगवान, अभी तुमको माया पकड़ लिया इसलिए तुम अभी अपने आप को जीव कहते हो, जब मुक्त हो जाओगे ना सदासी फिर तो तुम ही भगवान बन जाओगे, अभी तो माया में बिलबिला रहे हो, तो पहले ब्रह्म पर भगवान ही था, तेरे को माया पकड़ लिया ना, इसलिए अभी तुम जीव बन गया, जब मुक्त हो जाओगे ना सदासी तुम ही तो भगवान, अरे तू ही तो भगवान, अगर किसको बोल तो, अरे तू ही तो भगवान, खुश हो जाओगे, हमें भगवान कह रहे, हमें भगवान कह रहे, खुश हो जाओगे। इसलिए बोले ये काम को कौन कर सकता है, कोई प्रभावशाली व्यक्ति कर सकता है, इसलिए उन्होंने श्री शंकर जी को बुलाए, शंकर जी को बुला करके बोले जाओ ये काम को करो। लेकिन शंकर जी बड़े दुखी हुए, सुखी नहीं हुए, बोले क्यों, बोले ये जो फिलोसफी है ये अत्यधिक बहुत गलत फिलोसफी, जीव थोड़ी भगवान की सेवक बन सकता है, जीव तो भगवान का सेवक है, जीव कभी भगवान बन सकता है थोड़ी, ये फिलोसफी बड़ा गलत फिलोसफी है। लेकिन भगवान के आदेश है, ठाकुर जी आदेश दे रहे हैं, पालन करना पड़ेगा, भगवान के जीव कल्याण कर ले, तू ही कर सकता, कोई कर ही नहीं सकता, इसलिए प्रभु का आदेश को पालन करते हुए उन्होंने ब्रह्मवाद को स्थापन किया। जब ब्रह्म कुछ पहले था ही नहीं, अभी कुछ आ गया, कुछ बोलते थे ना शून्य से आए, शून्य से लीन हो जाओगे, लेकिन वहां से साधारण रूप में ब्रह्मवाद नहीं, कुछ नहीं मतलब नहीं, कुछ है कौन है, ब्रह्मा, ब्रह्म नाम की एक चीज है। हाँ फिर उन्होंने देखा अभी एक स्थिति आ गई, फिर रामानुज, फिर मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्क, बल्लवाचार्य, सब धीरे 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 उनको फिर भेजना शुरू किया, एक एक कर भेजे, बोले जाओ जा करके तुम शुद्ध भक्ति के प्रचार करो। इसीलिए कहते हैं हम शंकर जी के पास में ऋणी हैं, श्री भोले बाबा के पास में, शंकर जी के पास में हम ऋणी, अगर वो नहीं होते ना हम भक्ति भक्ति करते नहीं, भक्ति भक्ति करते नहीं। उन्होंने जीव कल्याण के लिए उन्होंने जो सनातन धर्म को उन्होंने सबसे पहले उन्होंने आकर के स्थापन किया, नहीं कोई एक चीज है, कुछ नहीं मतलब कुछ है, हैं? फिर रामानुज मध्वाचार्य जी को फिर भेजा, इसलिए मध्वाचार्य जी ने प्रतिज्ञा किया, मैंने 11 साल उम्र में प्रतिज्ञा की ये मायावाद फिलोसफी को मैं खत्म करूंगा, मायावाद फिलोसफी को मैं खंडन करूंगा, हैं? अरे भैया तू 11 साल उम्र के तू क्या करोगे, इतना छोटा बच्चा, उन्होंने क्या किया, कोई के पेड़ का टहनिया लिया, हैं, बरगद का पेड़ टहनिया, और उन्होंने टहनिया को गाड़ दिया, गाड़ करके बोले अगर अगर मैं एक दिन ये मायावाद फिलोसफी को मैं खंडन कर सकता हूँ, कि जो मैंने एक डंडा गाड़ दिया, एक डंडा से एक विशाल वृक्ष परिवर्तन होगा, अभी वो पेड़ है, वो डंडे से, सूखे डंडे से उन्होंने विशाल, अभी भी उड़ूप में विशाल, अभी तो कहीं भी गया नहीं, इसलिए विशाल अभी भी वो बटे वृक्ष है, हैं, वो बटे वृक्ष बना है। इसलिए उन्होंने मायावाद फिलोसफी को उन्होंने जगत में प्रचार और प्रसार उन्होंने खंडन किया है। फिर इनकी अप्रगट कैसे हुई, ये शरीर जब जब भगवान से इनकी पिता माता प्रार्थना किया था ना,
मेरे को ऐसे एक संतान तो जो बच्चा अमर हो। एक दिन वो तैतरीय उपनिषद को कथा कर रहे थे और शिष्य लोग बैठ करके कथा सुन रहे थे। कथा करते 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 इतने स्वर्ग से देवता लोग ने पुष्पों की बौछार की, उन्होंने पुष्पों की बौछार की और पुष्पों को बौछार करते 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 पूरा इनके शरीर ढक गया, सब शरीर ढक गया। शिष्य लोगों ने कहा भैया गुरु जी तो कथा कर रहे थे, करते करते आकाश से पारिजात पुष्पों की बौछार किए, गुरुदेव तो ढक ही गए और कुछ हो ही नहीं रहा। फिर जब उन्होंने फूल को हटाया ना, देखा गुरु जी नहीं, गुरु जी नहीं, क्योंकि भगवान से अमर पुत्र की प्रार्थना किया था, इसलिए उन्होंने अमर पुत्र के चले गए अपना धाम को। इसलिए हमारे संप्रदाय का नाम क्या है, ब्रह्मा संप्रदाय, हमारे संप्रदाय का नाम है। इसलिए उन्होंने एक समय एक बाघ को साथ में, आप इतना चेहरा देखे ना कि हम चार संप्रदाय का ना उनको बना कर ठीक उनको पटोर रख लेना ठीक, चार संप्रदाय की हमारे मठ में उसको पटो लेकर ना अच्छे तरह से बनाना, ना से उनको चेहरा देखना क्योंकि वो कौन है भीम और श्री हनुमान, ये दोनों मिलकर के एक रूप आए, क्या उनकी चेहरा है एकदम हट्टे कट्टे और क्या एकदम बढ़िया चेहरा निकली। एक साथ उन्होंने कोई बाप शिष्यों को साथ में जा रहे थे, शिष्यों को साथ में जाते 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 कोई बाघ ने आक्रमण किया, इन्होंने बाघ मारे एक थप्पड़ से प्राण ले लिया हाँ? और एक साथ उन्होंने कितने केले और सौ खड़ा खड़ा समझते हो कलसी है, उन्होंने दूध को पी लिया, एक साथ में सौ है सौ उन्होंने दूध घड़े को दूध उन्होंने पी लिया। और कहीं एक बहुत बड़ा पहलवान था बड़ा नामी, कि जब अपना शिष्यों को साथ में जा रहे थे तब इन्होंने वो बड़ा पहलवान था, बोले मेरे साथ में आप युद्ध कर, उन्होंने सुना भद्वाचार्य बड़े पहलवान है, ये भी बड़े बलवान है, जब गए वो उनके साथ में लड़ना चाह, बोले मेरे साथ में लड़ोगे क्या, मेरे प्यार का अंगूठी को थोड़ा हिला दे बोले मेरे प्यार का अंगूठी को थोड़ा हिला करके दिखा दे, वो सारे ताकत लगा दिया लेकिन एक अंगुल को उसने हिला नहीं सका हा? एक अंगुल को उसने हिला नहीं सका। एक मुसलमान राज्य था, वो नदी को उस पार में था, किसी को जाने नहीं देता, लेकिन श्री मध्वाचार्य ने अपना शिष्य को लेकर के तैरते हुए उन्होंने वहां पर गए और उनका फिलोसफी किया। ऐसे ऐसे उनकी बहुत बहुत सारे जीवन चरित्र है। आज हम शाम को तुम लोग थोड़े थोड़े पढ़ कर क्या ना वो चार संप्रदाय मध्वाचार्य का जो फिलोसफी है और इन्हें जो आमना है प्राहत हरिमियम परम सर्वशक्तिम रसाब्दि जो दस मूल है उनका भी दस उनकी शिक्षाएं हैं, उनकी दस फिलोसफी है। इसलिए आज थोड़ी सी हम लोग शाम को महाप्रभु की कथा सुनेंगे और थोड़ा इनकी भी कथा सुनेंगे, क्योंकि हमारी संप्रदाय का नाम श्री ब्रह्ममाधव गौड़ीय संप्रदाय, हम इसी संप्रदाय में हम सबके सब आए, इसलिए हमें इसी विषय पर थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए ठीक है ना। ललिताई गौर प्रेमान बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
Thank you.